बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, ग्रामर की प्रैक्टिस करवाई और अब मैं आपको सेक्शन डी में जो एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ये सबसे पहला पार्ट जो है सेक्शन डी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो पार्ट वन है जिसको अभी हम समझेंगे, ये है आपका लेसन पोयम और जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आना है आपको 6 मार्क्स। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बाद के वीडियो में मैं आपको पोम और प्रोज के एक्सट्रैक्ट भी भेजूंगी। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं एमसीक्यूज वाला चैप्टर और इसको कई बार रिवाइज करिए तो आपको अपने आप ये लेसन के आंसर याद हो जाएंगे। करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट से हैं पहले वाले और लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड से हैं। हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, लेंचो का लेटर किसने पढ़ा? तो आंसर है बी द पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? तो आंसर है ए जी एल फ्रेंटेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, What did Lencho think of the post office employees? Lencho post office कर्मचारियों के बारे में क्या सोच रहा था? Answer C, bunch of crooks. Question number 4, How much money was arranged by the postmaster? Postmaster ने कितने पैसे arrange किए? Answer C, 70 pesos. यानी 70 pesos उसने arrange किए. Question number 5, How much money did Lencho want? लेंचो को एक्चुअल में कितना पैसा चाहिए था? आंसर ए 100 पैसो। लेंचो को कितना पैसा चाहिए? 100 पैसोस। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, आंसर है बी सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, लेंचो हैड ग्रोन डैश इन हिज फील्ड, लेंचो ने अपने खेत में क्या लगाया? आंसर बी कॉर्न यानी मक्के की फसल। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर था? तो टॉप ऑफ अ हिल पहाड़ी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, लेंचो ने पानी की बड़ी बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया? आंसर ए न्यू कॉइन, लेंचो ने पानी की बड़ी बूंदों को न्यू कॉइन की तरह कंपेयर किया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो की फसल किसने खराब कर दी? आंसर बी हेल स्टोन, हेल स्टोन्स ने लेंचो की फसल खराब कर दी। क्वेश्चन 11, लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो का किस पे सबसे ज्यादा विश्वास था? आंसर सी द गॉड, उसका ईश्वर पे बहुत भरोसा था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसे क्यों चाहिए थे? आंसर ए टू सेव हिज फैमिली, उसको अपने परिवार को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 13, लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो ने लेटर किसको लिखा? आंसर बी गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। आप देखते हैं पोम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? आंसर ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट, क्रो है यहां पर, आंसर है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 16, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को क्या अफेक्ट किया? चेंजिंग हिज मूड, पोएट का मूड चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, क्रो कहां बैठा हुआ था? आंसर डी ऑन अ हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो में पोएट ने क्या सेव किया? सम पार्ट ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है फायर एंड आइस पोम से, हु हैज रिटन द पोम फायर एंड आइस, आंसर ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप जितनी पोम है उनके राइटर के नाम अच्छे से याद कर लीजिए, पोएट के नाम। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोम फायर एंड आइस, यहां पर आई सिंबलाइज कर रही है पेन को। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोम फायर एंड आइस,
तो आई इस पेन को सिंबोलाइज कर रही है, तो फायर कर रही है डिजायर को, यानी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? पेरिश का मीनिंग होता है आंसर डी डाई। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे? एक दिन क्या खत्म हो जाएगा? आंसर ए वर्ल्ड। अब देखते हैं लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। 24, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज? करेज का क्या मतलब है? आंसर बी ट्रायंफ ओवर फियर, यानी डर के ऊपर विजय। 25, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? एक देश की सबसे अच्छी संपत्ति क्या है? आंसर बी इट्स पीपल, यहाँ के लोग ही उसकी असली संपत्ति होते हैं। 26, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? आंसर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, आंसर नंबर डी। 27, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? आंसर 2, ए है। 28, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? इंटरनेशनल लीडर ने साउथ अफ्रीका में कौन सी चेंज लाई? आंसर बी एंड ऑफ अपार्टाइड। क्वेश्चन नंबर 29, हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक? मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे? आंसर सी पैट्रियट, जो देशभक्त हैं। 30, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑप्रेशन क्रिएट? ऑप्रेशन क्या क्रिएट करता है? सी हाइट ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की ऊंचाइयों को। 31, अमन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर अमैन? यहाँ अमैन है बेटा, अमैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज क्या कहलाता है? वो जो दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है। आंसर बी अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। 32, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट? हृदय में नेचुरल क्या चीज होना चाहिए? आंसर बी लव। 33, Which flame can never be extinguished? कौन सी किस चीज की ज्योति कभी भी नहीं बुझ सकती? आंसर सी मैंस गुडनेस, मनुष्य की अच्छाइयां की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। 34, The spectacular array of South African jets was displayed by? आंसर ए मिलिट्री। 35, Nelson Mandela was accompanied by? आंसर बी his daughter। 36, Who was daughter of Nelson Mandela? Answer C. Zenum. Poem 2, A Tiger in the Zoo से question. 37, Who has written the poem A Tiger in the Zoo? Answer Leslie Norris. 38, The tiger looks at? Answer B. Stars. 39, Who pauses near the water hole? Answer Deer. 40, caged tiger dash the visitor? Caged tiger, answer D, ignores the visitors. 41, where should tiger hide himself? Tiger खुद को कहाँ छुपाता है? Answer A, in shadows. Lesson number 3, 42, who has written the story for his first flight? Answer Liam O'Flaherty. 43, what was the seagull afraid of? Seagull किस चीज से डर रहा था? Answer भी flying, उड़ने से डर रहा था। 44, why was the seagull exhausted? Seagull क्यों थक गया, परेशान हो गया? Answer C, due to strange exercise, बहुत सारी exercise करने के कारण। 45, who gave seagull a small piece of fish? एक fish का टुकड़ा किसने दिया सीगल को? आंसर मदर सीगल। 46, व्हाट मूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट? आंसर डी फिश। 47, व्हाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग फिश? आंसर ए टू पुश हिम टू फ्लाई। 48, द साइट ऑफ डैश मैडेंड सीगल, किस चीज ने सीगल को पागलपन तक कर दिया? आंसर सी फूड, क्योंकि सीगल भूखा था। 49, what did his parents threatened him with? उसके पेरेंट्स ने उसको किस चीज से डराया?
आंसर टू स्टार हिम, उसको भूखा कर दिया था। 50, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइज इज अबाउट, ये जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइज किसके बारे में है, आंसर डी सीगल। 51, व्हाट वर द सीगल्स सिबलिंग डूइंग अराउंड हिम, सीगल सिबलिंग क्या कर रहे थे, ए फ्लाइंग, वो उड़ रहे थे। 52, व्हाट डिड द सीगल्स प्रिटेंड, सीगल कैसा दिखावा कर रहा था, आंसर बी फॉलिंग अस्लीप, सोने का दिखावा कर रहा था। 53, नोबडी केम नियर द सीगल फॉर, कोई भी सीगल के पास नहीं आया, कब तक के लिए, सी 24 आवर्स। 54, द यंग सीगल हैड लैक ऑफ, आंसर करेज, उसके पास साहस नहीं था, तो द यंग सीगल हैड लैक ऑफ करेज। 55, हु वाज अलोन ऑन द लेज, उस मुहाने पर कौन था, आंसर डी यंग सीगल, यंग सीगल उस चट्टान के मुहाने पर था। 56, Why was the aeroplane twisting in the air? Aeroplane हवा में क्यों twist किया? Answer A, due to storm, तूफान के कारण। 57, Why did the pilot call Paris control? Pilot ने Paris control room को क्यों phone किया? Answer C, for direction, दिशा को पता करने के लिए। 58, The pilot was not able to dash anything. Pilot आंसर सी पायलट किसी भी चीज को नहीं देख पा रहा था। 59, विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, एरोप्लेन के कौन से इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया, आंसर बी कंपास, कंपास मतलब जो दिशा सूचक यंत्र है उसने काम करना बंद कर दिया था। 60, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने कौन सी रिस्क ली, आंसर ए फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, मतलब वो तूफान में एरोप्लेन को उड़ाएगा। 61, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे बैक, उसने बैक करते हुए बैक में किस कंट्रोल रूम स्टेशन को कॉन्टेक्ट किया था, आंसर सी पेरिस। 62, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, पायलट कहां से कहां तक की उड़ान भर रहा था, आंसर बी फ्रांस टू इंग्लैंड, हमेशा ध्यान रखना फ्रांस टू इंग्लैंड। 63, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है, फ्रेडरिक फॉरसेथ। 64, व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन की तरह कौन दिख रहा था, आंसर सी स्टॉर्म क्लाउड, यानी तूफानी जो बादल थे वो काले पर्वतों की तरह दिखाई दे रहे थे। 65, हाउ फार वॉज पायलट फ्रॉम पेरिस When he saw black clouds, जब उसने काले बादलों को देखा तब वो कितने किलोमीटर की दूरी पर था, आंसर बी 150 किलोमीटर। 66, In which direction did he follow the black aeroplane? वो किस दिशा में अपने काले एरोप्लेन को उड़ा के ले गया, आंसर ए नॉर्थ। 67, What was the name of the plane flown by the pilot? पायलट कौन से नाम का एरोप्लेन उड़ा रहा था, उसका नाम क्या था, तो उस एरोप्लेन का नाम था डकोटा। 68, द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म्ड दैट, मतलब जो लड़की कंट्रोल टावर में थी उसने क्या बताया, आंसर ए देयर वाज नो अदर प्लेन, जब पायलट अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था तब वहां कोई भी दूसरा एरोप्लेन मौजूद नहीं था। अब देखते हैं पोप नंबर 3 द बॉल से। 69, हु हैज कंपोज्ड द बॉल पोयम, ये बॉल पोयम किसने लिखी है, आंसर ए जॉन बैरीमैन, बी फॉर बॉल, जॉन बैरीमैन बी फॉर बैरीमैन हो गया। 70, वेयर वॉज द बॉय स्टारिंग डाउन, वो कहाँ खेल रहा था, आंसर बी द हार्बर, वहां वो बंदरगाह के पास था। 71, व्हाट डज अ बॉल कास्ट, बॉल कितने रुपए की थी, आंसर बी 1 dime। 72, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, बॉय किसके साथ खेल रहा था, आंसर अ बॉल। 73, वेयर डज द बॉल गो, उसकी गेंद जो है वो कहाँ चली गई, आंसर बी इन वाटर, पानी में चली गई थी। फिर देखते हैं लेसन नंबर 4 से। 74, विच ऑफ दिस इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, एनी की सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त कौन थी,
आंसर डी हर डायरी। विच ऑफ दीज नेम डिड एनी गिफ्ट टू हर डायरी। एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? आंसर ए किटी। 76. विच ऑफ दीज असाइंड एनी एज एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। एनी को एक चैटर बॉक्स का सब्जेक्ट ऐसे किसने दिया था? आंसर है ए मिस्टर कीजिंग। 77. एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज। एनी ने डायरी लिखना इसलिए निश्चित किया क्योंकि आंसर ए शी हैड नो क्लोज फ्रेंड। उसका कोई बहुत करीबी मित्र नहीं था। 78. विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एनी। एनी के बारे में क्या सत्य बात है? आंसर ए शी वॉज आउट स्पोकन। वो बहुत ज्यादा बोलती है। 79. मिस्टर कीजिंग आस्क्ड एनी टू राइट एन एसे एस। मिस्टर कीजिंग ने एनी को ऐसे लिखने दिया किस कारण से? आंसर सी अ पनिशमेंट। एक पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने एनी को ऐसे लिखने को कहा। हु वॉज मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग कौन थे? आंसर ए हर टीचर। मिस्टर कीजिंग एनी के टीचर थे। 81. विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग के बारे में कौन सी बात सही डिस्क्राइब करती है? आंसर बी स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव। वो काफी स्ट्रिक्ट थे और काफी इनोवेटिव थे। 82. व्हाट वाज मार्गरेट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट। मार्गरेट फ्रैंक्स का बर्थडे गिफ्ट क्या था? आंसर बी हर सिस्टर एनी फ्रैंक। अब देखते हैं लेसन 5 और 6 से जो नाम है 100 ड्रेसेस। 83. Who lived in Wogenside? Wogenheights में कौन रहता था? Wanda. 84. Which of these describes the place Wogenside? Wogenside के बारे में क्या था? A. ये muddy और unclean था. 85. What was Wanda's true name? Wanda का पूरा नाम क्या था? सच्चा नाम Wanda Petronsky. 86. How many drawings did Wanda draw? Wanda ने कितनी drawing बनाई? Answer B. 100. 100 ड्राइंग वांडा ने बनाई। 87. Who did मैडी think would win the contest? मैडी को क्या लग रहा था कि ये प्रतियोगिता कौन जीतेगा? आंसर डी पैगी, क्योंकि वो पैगी की बहुत अच्छी दोस्त थी। 88. पैगी क्राइड फॉर आवर्स इफ। पैगी पूरे समय तक, हाँ घंटों तक रोती थी क्यों? आंसर बी एनिमल्स वर मिस्ट्रीटेड। 89. Which classroom did children sit in? Children कौन से रूम में से बैठे हुए थे? Answer D, room 13. 90 नंबर का क्वेश्चन देखो। Where in the classroom did Wanda sit? क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी? Answer B, the last row. Room number 13 की last row में वांडा पेट्रोन्स की बैठा करती थी। 91. Why did Wanda say she had 100 dresses? वांडा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? आंसर डी बिकॉज शी हैड द डिजाइंस ऑफ 100 ड्रेसेस इन हर माइंड, क्योंकि उसके दिमाग में 100 पोशाकों की डिजाइन थी। 92. व्हाई डिड वांडा यूज टू सिट इन द लास्ट रो। वांडा लास्ट रो में क्यों बैठती थी? बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन डर्ट एंड मड, क्योंकि वो वोगिन साइड से आती थी और उसके पैरों में क्या रहता था? मिट्टी और कीचड़ लगा रहता था। 93. In what way Peggy was cruel to Wanda? पैगी किस तरीके से वांडा के लिए क्रूएल थी या निर्दयी थी? आंसर डी शी यूज्ड टू बुली हर, क्योंकि पैगी जो थी वो वांडा का पूरे समय मजाक उड़ाती थी, उसकी लेग पुलिंग किया करती थी। 94. Who wrote the note to Miss Mason? मिस मैसन के लिए किसने नोट लिखा? आंसर सी वांडाज फादर। वांडा के पिता ने मिस मैसन को पत्र लिखा। 95. Who was more anxious for a reply from Wanda? वांडा की रिप्लाई के लिए सबसे ज्यादा चिंतित कौन था? आंसर डी मैडी। 96. Who felt herself coward after Wanda left school? और वांडा के जाने के बाद, स्कूल से जाने के बाद किसने सबसे ज्यादा अपने आप को कावर्ड या कायर महसूस किया? आंसर सी मैडी। 97. व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पैगीज डिजाइन? पैगी की डिजाइन की हुई ड्रेस में कौन सा कलर था? आंसर बी ग्रीन। 98.
व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग? जब मैडी ने ड्राइंग को रिसीव किया तो उसका क्या रिएक्शन था? आंसर ए सैड, वो दुखी थी। 99. हाउ डिड मैडी नो दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्रेस फॉर हर? मैडी को कैसे पता चला कि वांडा ने उसके लिए ड्रेस डिजाइन की है? आंसर ए द गर्ल वेयरिंग द ड्रेस लुक्ड लाइक मैडी, क्योंकि जो डिजाइन उसको मिली तो उसने देखा कि वो बिल्कुल सेम टू सेम मैडी की ड्रेस मैडी की तरह दिखाई दे रही थी। 100. वांडा वाज मेड फन ऑफ फॉर डी हर अपीयरेंस, उसकी उपस्थिति में भी वांडा जो है वो फन किया करती थी। अब देखते हैं पोम नंबर 4 अमांडा से, 101 नंबर का क्वेश्चन। द पोम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, अमांडा पोम किसने लिखी है? रॉबिन क्लेन ने। 102. स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप एंड सिट अप स्ट्रेट, जिसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है, यानी इसमें कौन सी स्पेशल पोएटिक वो आई है डिवाइस, इसमें आई है एलिट्रेशन, यानी एस एस का बार बार क्या हुआ है साउंड वहां पर आया है वर्ड। फिर इसके बाद आ रहा है 103. विच ऑफ दीज कॉजेज एक्ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोम अमांडा? एक्ने होने का क्या कारण है, फेस पे जो पिंपल्स होते हैं उसका क्या कारण है अमांडा पोम में बताया गया है? आंसर बी ईटिंग चॉकलेट्स। 104. अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, आंसर बी स्वीट, फ्रीडम कैसी लगती है? हमेशा स्वीट यानी मीठी लगती है। 105. विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएट वॉन्ट टू कन्वे थ्रू द पोम अमांडा? अमांडा पोम की तरह मैं पोएट ने कौन सा मैसेज दिया है? आंसर बी चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बच्चों को आजादी देना चाहिए। 106. द पोम अमांडा इज अबाउट, पोम अमांडा जो है वो किस चीज के बारे में है? चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के मनोविज्ञान के ऊपर है। 107. अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, अमांडा एक अनाथ बच्चे की तरह होना चाहती थी। क्यों? टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज, वो उस स्वतंत्रता को एंजॉय करना चाहती थी जो किसी अनाथ बच्चे में होता, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं होते तो उसको टोका टाकी नहीं करते हैं। 108. What made Amanda sulk and moody? Amanda को sulk and moody किसने बनाया? B. When her mother gave her too many instructions, उसकी माँ ने उसको इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे दिए कि अमांडा मूडी और सल्की हो गई थी। 109. Why should Amanda not eat chocolates? Amanda को chocolates क्यों नहीं खाना चाहिए? Answer C. It causes acne, क्योंकि chocolates खाने से acne होते हैं, pimples होते हैं। 110. What does Amanda imagine to be when she pictures herself in a tower? जब वो आप किसी टावर में पिक्चर अपने आप को देखती तो कैसा इमेजिन करती है? अमांडा अपने आप को रेपेंजल की तरह इमेजिन करती है। एनिमल पोम्स देखें। 111. Who has composed the poem Animal? एनिमल पोम किसने लिखी? आंसर ए वॉल्ट विटमैन। 112th का क्वेश्चन देखो। विच ऑफ दीज इज द मेन थीम ऑफ द पोम एनिमल? एनिमल पोम की थीम क्या है? आंसर सी टू कंपेयर ह्यूमन बींग्स विथ एनिमल्स टू हाईलाइट द फ्लोज ऑफ ह्यूमन नेचर। 113. वॉट डज द पोएट वॉन्ट टू टर्न इंटू द पोम इन द पोम एनिमल्स? एनिमल पोम में क्या टर्न करना चाहता है? तो आंसर सी एनिमल्स की तरह। 114. I stand and look at them long and long. Which of these figures of speech does the poet use in the above line? Answer C. Alliteration. 115. Why do humans lie awake in the dark in the poem Animals? Answer C. Cry for their sins. 116. What qualities have the human being given up according to the poet in the poem Animals? कौन कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए? ए इनोसेंस, बी काइंडनेस, सी ट्रूथफुलनेस, या डी ऑल ऑफ दीज? तो ये सारी क्वालिटी, मतलब डी ऑल ऑफ दीज।
फिर है लेसन 7, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 1, 117th नंबर का क्वेश्चन। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? आंसर, बेकर्स को गोवा में क्या कहा जाता है? पैडल। तो आंसर ए। 118th, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? बच्चे किस चीज को चाहते थे? ए लोव्स, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड या ऑल ऑफ अबव? तो बच्चे इन सारी चीजों को खाना चाहते थे, लोव्स, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड, ऑल ऑफ दी। तो आंसर है ऑल ऑफ अबव। 119th, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? बेकर कितनी बार आते थे रोज? तो आंसर बी, ट्वाइस, दो बार आया करते थे। 120th, वॉज कॉल्ड कबाई, कबाई किसको कहते हैं? आंसर ए, बेकर्स ड्रेस, बेकर जो ड्रेस पहनते थे उसको कबाई कहा जाता था। 121, कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? आंसर सी, कॉफी। 122, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ स्थित है? ए मैसूर। 123, डैश रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, तो यह है आंसर सी, कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। 124, द क्लाइंब टू द डैश हिल ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। आंसर ए, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हिल्स। 125, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है सारी एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव कुर्ग में अवेलेबल है। क्वेश्चन 126, व्हाट इज रेपेलिंग ट्रेवलिंग? आंसर है सी, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रो, एक किसी खाई की तरफ स्लाइडिंग, रोप की तरफ स्लाइड करके जाना, दैट इज नोन एज रेपेलिंग। फिर है लेसन नंबर 7, 127th नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज? आसाम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर ए, टी कंट्री, चाय का देश। 128, इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ ए डैश देन मेडिसिन देन बेवरेज, वो एक दवाई की तरह ज्यादा प्रसिद्ध है। 129, व्हाट वाज ढेकिया बारी? तो ये ढेकिया बारी क्या है? आंसर ए, नेम ऑफ अ स्टेशन। 130th, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजोल स्टडी? राजवीर और प्रांजोल कहाँ पढ़ रहे थे? आंसर डी, दिल्ली। अब देखते हैं पोम 7, द ट्रीज। 131, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो? आंसर है इसमें ए, सन। 132, व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू? तो ट्री को किससे कंपेयर किया है? आंसर बी, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। 133, व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स? आंसर सी, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेंस। 134, व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज? आंसर ए, विंड। 135, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री? आंसर सी, ओक ट्री। इसको बहुत अच्छे से बोलते जाइएगा तो आपको याद होता जाएगा। अब देखते हैं लेसन नंबर 10, 136, गौतम बुद्धा अर्ली नेम वॉज? गौतम बुद्धा का पहला नाम क्या था? सिद्धार्थ। 137, व्हाट मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक आउट एनलाइटमेंट? अब सिद्धार्थ को ज्ञान के लिए कौन कौन सी चीजें दिखी? तो पहला ए, सिक मैन, एनेस्ड मैन, मॉन्क बैगिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ये सारी चीजें गौतम बुद्ध को दिखाई दी थी, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 138, वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम? कहाँ पर सिद्धार्थ ने अंतिम वहां पे अपने बैठे थे? तो अंडर पीपल ट्री, पीपल वृक्ष के नीचे। 139, व्हाट डिड ही नेम द ट्री? उन्होंने उस वृक्ष का क्या नाम रखा? आंसर ए, बोधी ट्री, क्योंकि उसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 140, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग? बुद्धा ने किसा गौतमी को कौन से बीज लाने को कहा? आंसर बी, मस्टर्ड सीड्स, राई के दाने। 141, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेक किसा रियलाइज? तो
किसा जब लेने गई तो उसको क्या रियलाइज, उसको क्या ज्ञान हुआ? आंसर ए, सी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मैन आर मोर्टल्स, ऑल ऑफ द अबव। किसा गौतमी को ये रियलाइज हुआ कि वो बहुत स्वार्थी हो गई है, मृत्यु सभी के लिए है और जितने भी लोग जन्मते हैं वो सब मरते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 142. What did Buddha tell Kisa about life? Buddha ने किसा गौतमी को जिंदगी के बारे में क्या बताया? It is troubled, it is brief, combined with pain, all of above. तो बुद्धा ने बताया कि ये तकलीफ देती है, छोटी है और दर्द से भरी हुई है, मतलब all of the above. सारी चीजें गौतम बुद्धा ने किस्सा को बताई। 143. Both young and adults, fools and wise, fall into the power of death. कोई भी हो, सब कहाँ जाते हैं? अंततः मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। 144. In which city did Buddha deliver his first sermon? बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? आंसर बी, बनारस। अब देखते हैं पोम 10. 145. What color will the girl dye her hair into? कौन से कलर लड़की डाई करना चाहती है? ब्लैक, ब्राउन, कैरेट, ऑल ऑफ द अबव, सारे कलर वो ट्राई करना चाहती है। 146. What is the mood of the young man? उस यंग लड़के का क्या मूड है? आंसर ए, सैड। What does the girl want? लड़की क्या चाहती है? To be loved for herself, खुद को प्यार करना चाहती है। 148. What is the color of the ramparts of the young lady? यंग लेडी के बालों के किनारों का कलर क्या है? बी, हनी। 149. Who is the poet of the poem for Annie Gregory? तो एनी ग्रेगरी के पोम के जो पोएट है वो है विलियम बटलर यीट्स। 158. What matters for God more to love human beings? आंसर बी, द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसमें से 6 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। तो आप इसकी बार बार अच्छे से